हेलो वेलकम टू एवरीवन। अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ईद का यूज हम एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली समझे ईद क्या होता है, अगर मैं ये कर सकता तो हाँ ये हो सकता। तो ऐसे ही एक्सेल के अंदर ईद क्या करता है कि कुछ ऑपरेशंस के थ्रू यूज होता है। ऑपरेशंस हमारे कौन से हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन। तो आज हम इन सबको देखेंगे कैसे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नेम का डेटा है, एक एज है। आप मुझे देखने की इसको गिफ्ट रिसीव होंगे या नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे एज को कंपेयर कर रहा हूँ, इफ बी टू इज ग्रेटर देन 18 है, तो हमने अगर ये यहाँ पे जैसे मुझे एज है यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर ये 18 से बड़ा है तो उसके बाद हम लिखेंगे इसको गिफ्ट रिसीव होगा यस और नो। तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा में यस पास करेंगे, कोमा देन इन्वर्टेड कोमा में नो। अगर मेरी कंडीशन ये इससे मैच हो जाती है कि बी टू इज ग्रेटर देन 18 है तो उसको रिसीव होगा, आइदर नहीं होगा। लेट सी, देखो अब नहीं होगा उसको। अब हम ट्राई करेंगे। आप देखिए जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे 23 है, यस बड़ा है तो उसको गिफ्ट रिसीव होगा। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन और आ रही है कि यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ पे 18 को अगर नहीं हो रहा कैसे होगा फिर, कि यहाँ पे 18 है, 18 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे वो कंडीशंस को मेंशन कर पा रहा है। उसको ये बताना होगा कि इफ 18 इज इक्वल टू 18 तो उसको यहाँ पे गिफ्ट रिसीव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ले रहे हैं कि अगर इफ मेरा सेल है बी फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, तो आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो, विल रिसीव आइस क्रीम। बिकॉज ऑफ भाई हमने यहाँ पे कंडीशन को पास किया इक्वल टू। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दे रहा हूँ, गेट एज, सो सिंपल। इसी तरीके से इफ आपकी कंडीशंस को लगाते हैं, फिल्टर करते हैं आपके टेक्स्ट को कि आपको कितने से कितना करता है, ऑपरेशंस वैल्यू होती है। और वीडियो आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। ये इफ का ही पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा। इफ आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर आपको नेस्टेड इफ समझ में आएगा। अभी नेस्टेड इफ का हमें यूज़ क्यों और कैसे होगा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती है, जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में चेक करना होता है तो हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ का ना आप एग्जांपल ना ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये कुछ कंडीशंस को मेट करना होगा तो आप नेस्टेड इफ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मेरे दादाजी के पास 100 रुपये है, ठीक है, मेरी पहली कंडीशन हो गई ट्रू, तो मैं ना फिर उनके बेटे के पास भी, अपने पिताजी के पास भी चेक करूंगा कि उनके पास भी 100 रुपये होंगे, तो मैं 100 रुपये ले लूँगा। अगर मेरे दादाजी के पास 100 रुपये हैं बट मेरे पिताजी के पास 100 रुपये नहीं हैं तो वो मुझे फिर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर ऐसे ही कंडीशन में मैंने देखा कि दादाजी के पास पहले ही पैसे नहीं हैं और फिर दूसरी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, तो वहाँ पे फॉल्स हो गया वहाँ पे। तो आइए अब इसको ना अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। एक अनु ऑनलाइन का स्टोर है, उसके अंदर ना फुल टाइम स्टूडेंट्स है जो ओनली उन्हीं का जिनका GPA 4.5 से ऊपर है उन्हीं को ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज दे आर नॉट गेट द डिस्काउंट। तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे पास ये 3 डाटा हैं। अभी इसमें कुछ कंडीशंस में जैसे हमने ट्रू ट्रू एंड ट्रू फॉल्स 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 वाली कंडीशन देखी थी, तो हम इसको इसी में मैट करके देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मेरी, आप प्लीज़ वो इफ वाली वीडियो देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम पहले GPA वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ये मेरा है B10 में, B10 मैंने बोला कि मेरा अगर 4.5 से ग्रेटर है, तो अगर मेरी ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मैं नेक्स्ट वाली कंडीशन में जाएंगे चेक करने के लिए कि दूसरी कंडीशन भी मेट करती है या नहीं करती। अब मेरा जैसे B9 है, नेक्स्ट वाली में B9 इक्वल्स टू फुल टाइम, कि जो फुल टाइम होगा और जिसका GPA 4.5 से ऊपर होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमारे पास ये हो गया। अभी फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कि ट्रू, उसको मिलेगा यस, अदरवाइज फॉल्स होगा। अभी ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। अगर मेरी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, जैसे मेरी यहाँ पे 4.5 से अबव है वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे 4.6 है, अबव है, मेरी ट्रू हो गई। अब वो बोल रहा है कि फुल टाइम भी होना चाहिए। अब मैंने B9 में चेक किया, ओ दिस इज़ अ पार्ट टाइम, तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा,
तो देखिए मुझे फॉल्स मिला, क्यों मिला, आई जस्ट शो यू, दोबारा से करते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं। जैसे हमने इसमें बी टेन में हमारी वैल्यू 4.5 से ऊपर है, 4.6 है, ये ट्रू हो गई कंडीशन। जब मैंने दूसरी कंडीशन लगाई कि बी नाइन भी फुल टाइम होना चाहिए बट वहाँ पे पार्ट टाइम है, अब ये हमारा सर्च वैल्यू हो गया ट्रू एंड फॉल्स, इसने मुझे फॉल्स दिया तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स होगा। यहाँ से जब फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स विल बिकम इनटू फॉल्स। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मेरे पास अब ये डाटा है, आपको कंडीशन चेक करनी है इन टेक्स्ट, वो डबल कोट के अंदर ही रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, और मुझे कॉमा, और दोबारा इफ यूज़ करने के लिए आपको दोबारा कोमा डाल के फिर आगे नेक्स्ट लूप को चेक करना होगा कि वो मेरी कंडीशन को मेट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने बी टेन ले लिया यहाँ पे, और अभी मैंने बी टेन ले लिया, यहाँ पे मुझे लिखना है E10, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस ग्रेटर देन 4.5, यस होगा। और जब देखिए अब यहाँ पे भी मैं यहाँ पे दोबारा से टेक्स लिख रहा है, टेक्स पास कर रहा है, तो वो डबल कोट के अंदर ही टेक्स पास होगा। ये यहाँ से पहले समझेगा, अच्छा ये कंडीशन मैट हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन मैट नहीं हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉल्स। फिर जब मेरी इस कंडीशन को मैंने बंद कर दिया, वो कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। बिकॉज ऑफ आई ट्रू क्यों आया, दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने E9 है, हमारा ये वैल्यू है, हमारा ये सेल है, हमने इसको कंपेयर किया कि हाँ मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो अंदर गया दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए, क्यों दूसरी कंडीशन को, क्योंकि हमने दो कंडीशन यहाँ पे रखी है कि 4.5 भी होना चाहिए और वो फुल टाइम भी होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट को समझते हैं कि जिसके अंदर हमारी दोनों कंडीशंस को मैच ही नहीं हो रहा है, कि जो हमारा ये कंडीशंस को मैच ही नहीं हो, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट आप काइंडली एडजस्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा नेस्टेड इफ का लूप, तो दोबारा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा H10 इज ग्रेटर देन 4.5, अगर है तो हमें आगे चलना होगा, हमें लूप को करना होगा, नहीं हो रहा है तो वो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। H9 इज इक्वल टू फुल टाइम, अगर ये यहाँ से ऐसे हो रहा है तो यहाँ से दे देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमको दे देगा फॉल्स। देखिए इसने हमें फॉल्स फॉल्स दिया। अब क्यों हुआ, हमारी पहली कंडीशन थी 4.5 होना चाहिए बट वो 4.5 नहीं हुआ, हमारा दूसरा कंडीशन फुल टाइम होना चाहिए वो फुल टाइम नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो गया। ये था नेस्टेड इफ। लास्ट वीडियो में हमने सम इफ के बारे में देखा था, आज हम काउंट इफ को कवर करेंगे। काउंट इफ होता क्या है, आपको याद होगा कि हमने काउंट एंड काउंटा ए पे एक वीडियो बनाया था जिसमें काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता था, एंड काउंटा ए स्टैंड फॉर ऑल, वो न्यूमेरिक एंड टेस्ट दोनों को ही काउंट करता था कि उसके अंदर कितना है। आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं, काउंटा ए को देखते हैं कि वो कितना कवर करता था, काउंटा ए एंड देन वी पास द रेंज, हमारे पास सीरीज आ जाती थी। काउंट को देखें तो काउंट कैसे काम करता था, काउंटा ए काउंट कैसे काम करता था, हम उसको देखते हैं काउंट एंड हम वैल्यूज को पास करते थे। अब ये काउंट हमारा इधर फंक्शन पे अप्लाई नहीं होता था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नहीं काउंट कर पाएगा, वो जीरो दे देगा क्योंकि वो काउंटा ए नहीं है, ए स्टैंड फॉर ऑल। अब हमें काउंट इफ की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होती थी कि हमें इस स्टेटमेंट में हमें पता करना है कि हमें चाहिए क्या। अब मुझे ये पता करना चाहिए था कि मेरे पास ये एक रेंज है ब्लैक येलो, मुझे इसमें पता करना था कि मेरे येलो कितने हैं। अब उसके अंदर काउंटा ए के अंदर वो पूरा के पूरे को काउंट करता, उसमें हम क्राइटेरिया को पास नहीं कर सकते थे, हम उसमें कंडीशन नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारी ये सीरीज ही कंडीशनल के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम उसको देखते हैं एक बार, वो हम कैसे काम करते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे आपने सम इफ के बारे में देखा, सेम आपको इसमें करना होगा। सम इफ में हम क्या करते थे, हम पहले रेंज पास करते थे, क्राइटेरिया देते थे एंड देन सम ऑफ रेंज देते थे जो हमें टोटल चाहिए होता था। सेम इसमें करना है हमें, काउंट इफ देन हम रेंज पास करेंगे इसके अंदर, देन हम इसके अंदर देंगे हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट में होगा, मुझे येलो चाहिए, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड बूम, हमारे पास आंसर आ गया। अब मुझे ब्लैक के लिए देखना है, जस्ट आपको सिंपल ऐसे ही करना है ब्लैक, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अभी अगर आप बोलेंगे कि ठीक है ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम किया, ये हमारे नंबर्स के ऊपर भी काम करते हैं, बस आपको वहाँ पे कंडीशन का ध्यान रखना है कि हम कंडीशन क्या कर रहे हैं। हमारे पास ये एक डाटा है, नंबर्स है हमारे पास, अब हम कुछ कंडीशंस पास करते हैं कि हम ये कंडीशन पास करते हैं कि लेस देन 15 है वो हमें मिल जाए उसका आउटपुट। क्या करना है, जस्ट आपको काउंट करना, काउंट इफ का यूज़ करना है, काउंट इफ देन आपको रेंज सेलेक्ट करना है। कंडीशन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम इसमें सेम ऐसे पास करेंगे, लेकिन क्राइटेरिया के लिए ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज़ डबल कोट। अब लेसर देन 15, जितनी भी हमारी 15 से नीचे आइटम्स हैं वो हमें मिल जाए। देखिए हमारा 15 से नीचे 11 11 है। अब जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन 15, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 4। हमारे पास 15 है, 18 18 3 एंड 4 20 23, हमारे पास आउटपुट आ गया। लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा था, जो हम एक्सेल के अंदर कंडीशनल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। सम फंक्शन आपको याद होगा कि सम फंक्शन क्या करता था, मतलब यूज़ करके देखें, जस्ट सम एंड हम नंबर पास कर देते थे, जो भी हमें नंबर रेंज चाहिए होता हम उसको पास कर देते थे एंड वी गुड द आउटपुट। ये हमारा सम फंक्शन होता था। तो कोई बोलता है कि आपके पास ये कॉलम है, फेवरेट कलर का कॉलम है, इसके अंदर बताइए येलो के टोटल कितने कितनी इनकम होगी। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल रैपर्स हु लाइक द येलो कलर्स। अब हमें इसको इसको सॉर्ट आउट करना, हम कैसे इसको इजीली निकाल सकते हैं, इजीली हम पता कर सकते हैं कि आइस कौन के इतने हैं, स्नूप कॉट कैट कितने हैं, कैसे पता कर सकते हैं। बड़ा ईजी है, बस आपको चीज़ को थोड़ा समझना होगा। ये हमारा सिंटेक्स होता है इसको लिखने का, सम इफ हम रेंज पास करते हैं, हमें कितने से किस में कितना फाइंड आउट करना है, किस में क्या फाइंड आउट करना है, हम क्राइटेरिया को पास आउट करते हैं एंड फिर सम ऑफ रेंज। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है एंड सम रेंज क्या है। अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया ना, आई एम टेलिंग यू, आप बोलोगे इससे इजी फंक्शन एक्सेल के अंदर कुछ नहीं है। फॉर लगाया सम इफ, ये मेरी रेंज हो गई यहाँ से, इस सेल से B3 से लेके मेरा B8 तक का मेरा हो गया। देखिए रेंज पास हो गई यहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब उसको ना एक पर्टिकुलर बताना होगा कि तुम्हें देखना क्या है, मुझे येलो कलर चाहिए। और क्राइटेरिया ना हमेशा डबल कोट के अंदर होगा, ये चीज़ याद रख लेना। मुझे उसको बताना है कि मुझे येलो कलर चाहिए भाई। क्राइटेरिया मतलब कि कंडीशन होगी कि तुम्हें ढूंढ क्या रहे हो। अब सबसे मज़ेदार बात आती है कि अब हमें टोटल करना था ना कि येलो हमारा कितना होगा। तो अब देखिए हम सम ऑफ रेंज को पास करेंगे। अब देखिए ये सम ऑफ रेंज के लिए बोल रहे हैं, हमने यहाँ से इस कॉलम को पास कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज हियर वी गॉट द आउटपुट। अब हमारे पास येलो के इतने रैपर हैं जो लाइक करते हैं। कीजिए आपका ब्लैक का है, आप ब्लैक के लिए क्राइटेरिया चेंज कीजिए 69। आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा इजी क्या लगा। आपको रेंज को पता करना है कि मुझे इस रेंज के अंदर ये फाइंड आउट करना है, आपको बताना है कि उस रेंज के अंदर आपको ढूंढना क्या है, और आपको बस वो क्वांटिटी को ऐड करना है। ये है सम इफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने काउंट इफ के बारे में देखा था, हम कंडीशनल फंक्शन को देख रहे हैं एक्सेल के अंदर। तो आइए आज हम एवरेज इफ के बारे में देखते हैं। हमने एवरेज के बारे में पढ़ा था कि एवरेज फंक्शन काम क्या करते हैं, हमें कोई भी डाटा होता है उसमें से एवरेज वैल्यू को निकाल के दे देते हैं। एवरेज हम बस वैल्यूज को पास करते थे और हमारे पास आउटपुट आ जाता था कि हमारा इन नंबर्स में, हमारे इस इनकम में हमारा ये एवरेज है। हम कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम उसमें एवरेज इफ को यूज़ करेंगे। एवरेज इफ के बारे में बात करेंगे कैसे क्या होते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे हमने काउंट इफ के अंदर किया था कि हम पहले रेंज को पास करते थे, क्राइटेरिया देते थे एंड देन हम बताते थे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। सेम आपको ऐसे ही इसके एवरेज इफ के अंदर करना है। चलिए देखते हैं एवरेज इफ। हमारे पास अब रेंज है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, रेंज क्राइटेरिया देन एवरेज रेंज। हमारे पास ये रेंज है, हमारे पास ये स्टेट है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ईयरली इनकम इन ओ। तो हमारे पास ये रेंज हो गई सिलेक्ट, देन हमें यहाँ पे कंडीशन बताना है कि हमें क्या करना है। आप कंडीशन के लिए आप कोई भी सेल को ले सकते हो, आइधर आप जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन को सिलेक्ट किया,
देन हमने एवरेज रेंज, हमें इनकम का निकालना है ना कि ईयरली इनकम उसकी कितनी है, वो की कितनी ईयरली इनकम होती है, हमने इसको पास आउट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन वी गॉट द आंसर 83. अगर आपको यहाँ पे P41 नहीं करना है, आपको कंडीशन पास करना है कि आपको किसका निकालना है, आपको किसी का नेम यहाँ पे डिफाइन करना होगा कंडीशन डबल ब्रैकेट के अंदर, देन पास आप हो. अब हम निकालते हैं न्यूयॉर्क का, निकालते हैं देखिए 75. ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने अपने कंफर्ट के लिए किया था कि मुझे यहाँ पे बस सेल रेंज डालना होगा, हम मुझे आंसर मिल जाए. वीडियो में हमने बात किया था एवरेज इफ के बारे में, और हम इससे पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं सम इफ के बारे में. सम इफ और सम इफ एस का में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंस है. सम इफ में हम क्या करते थे कि हम एक ही क्राइटेरिया को सर्च करते थे. अगर हमारे पास ज़्यादा क्राइटेरिया आ जाते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा हमें क्राइटेरिया को फाइंड आउट करना है, मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट एंड टाइप, मुझे इन दोनों के अंदर फाइंड आउट करना है, ये मेरी कंडीशन हो गई, ये मेरी क्राइटेरिया हो गई कि मुझे इस दायरे के अंदर मुझे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट के अंदर PA फाइंड आउट करना है, टाइप के अंदर मुझे गोल्ड फाइंड आउट करना है. तो अब मुझे वो कैसे करना होगा, सम इफ फंक्शन में हम क्या यूज़ करते थे, आइए हम देखते हैं एक बार. हमारे पास रेंज होती थी, क्राइटेरिया होता था एंड सम ऑफ रेंज होता था, दैट्स ऑल. हमारे पास दूसरी कंडीशन लगाने के लिए इसमें फंक्शन नहीं होता था. अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सम इफ पहले रेंज को पास करते थे, देन क्राइटेरिया, देन हम सम ऑफ रेंज को पास करते थे. अब हमें इसमें मल्टीपल, मतलब कि दो से ज़्यादा वो क्राइटेरिया को फाइंड आउट करना है. ये क्राइटेरिया 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा टेबल डिटेल द रेवेन्यू बाई बैंक अकाउंट नंबर, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गोल्ड एंड अकाउंट इन द स्टेट ऑफ NY. अब हम गोल्ड का स्टेट वाइज करना है, इन्होंने स्टेट NY दे दी. अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं फंक्शन को कैसे यूज़ होगा. सम इफ और को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ रेंज, सम ऑफ रेंज मुझे इसका रिवेन्यू जनरेट करना है, तो ये मेरा टोटल होगा. देन मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज किस में से मुझे निकालना है, फर्स्ट मुझे यहाँ से टाइप, मेरा ये क्राइटेरिया रेंज ही हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गोल्ड. हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ क्राइटेरिया डबल कोट के अंदर होगा, मुझे चाहिए गोल्ड. देन मैं क्राइटेरिया 2, अब मुझे दोबारा दूसरी रेंज को पास आउट करना है. जैसे मैं स्टेट को देखूंगा कि मेरे पास ये स्टेट का क्राइटेरिया रेंज मेरा स्टेट हो गए, देन मुझे इसमें क्या देखना है, मेरा क्वेश्चन में क्या था, स्टेट ऑफ NY, तो मुझे NY को इसमें फाइंड आउट करना है. एंड ब्रैकेट क्लोज, देखिए हमने इसमें दो कंडीशन लगा दिए, दो क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया है. फर्स्ट हमने सम ऑफ रेंज किया, देन हमने रेंज क्राइटेरिया रेंज किया, क्राइटेरिया को डिफाइन किया, देन सेकंड क्राइटेरिया रेंज एंड देन क्राइटेरिया. सम इफ में हम क्या करते थे, सबसे पहले रेंज को डिफाइन करते थे, देन क्राइटेरिया, देन सम ऑफ रेंज. वो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के लिए अच्छा है, बट अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया चाहिए देन आपको सम इफ एस में आना होगा, आपको सम इफ एस को समझना होगा. बड़ा ईजी है, आप सिंटेक्स को समझिए. आपको याद रखना है सम ऑफ रेंज, रेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज क्राइटेरिया. देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया. अब आप सिल्वर ऑन अ PA, देखिए 167 का रिवेन्यू जनरेट हुआ. देखिए हमारा इतना रिवेन्यू जनरेट. इफेस के बारे में पढ़ा था, आज हम काउंट इफेस के बारे में पढ़ेंगे. आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, काउंट, काउंट इफेस, सम, सम इफेस, बट डरने की ज़रूरत नहीं है. एस स्टैंड फॉर द मल्टी क्राइटेरिया विद इन अ कॉलम, कि आपके पास मल्टीपल कॉलम है, मल्टीपल क्राइटेरिया आपको फिक्स करना है, देन यू आर यूजिंग एस. काउंट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि काउंट कैसे काम करता है, देन हमने काउंट इफ के बारे में पढ़ा था. हम रेंज डिफाइन करते थे, हम क्राइटेरिया डिफाइन करते थे. अब हम काउंट इफ एस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं और हम आउटपुट ले सकते हैं बड़े इजली. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी ये डाटा है,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यूज काउंट कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज ओवर द एज ऑफ 13। हमें बॉयज को निकालना है जिनकी एज 13 से बड़ी है। अब हमें इसके अंदर कंडीशन पास करना है, क्राइटेरिया को पास करना है। अभी हम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने काउंट इफ के अंदर क्या किया था। काउंट इफ के अंदर हम रेंज एंड क्राइटेरिया को पास कर रहे थे कि मुझे ये क्राइटेरिया को फिक्स करना है। अब उसने क्या बोला है कि ओवर द एज ऑफ 13। अभी चलिए हम देखते हैं, काउंट इफ एस। अब हमें यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज बोल दिया गया है। अब हमारे पास सबसे पहले हमें बॉयज में से निकालना है। बॉयज के बाद हमने यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा क्राइटेरिया हमारा डबल कोट के अंदर डिफाइन होगा बॉय। अब हम सेकंड क्राइटेरिया रेंज की ओर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जिसकी एज 13 से बढ़िया ओवर द एज ऑफ 13, उन बॉयज को बाहर निकालो। अब हमने यहाँ पे किया, अब फिर से हम क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहे हैं, वो भी डबल कोट के अंदर। ये ने यहाँ पे पास किया, देन हम यहाँ पे उन्होंने बोला ओवर 13, तो ग्रेटर देन 13 देन ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास बॉयज दो आ गए जिनकी एज 13 से बड़े थे। अब हम डाटा में भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास देखिए 13 से बड़ा एक ये है और एक ये है। अब गर्ल्स के अंदर निकाल लेते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस है, आप जितना इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा। ये जिनकी एज 13 से बड़ी है, एक बार देखें, हमारे पास दो लड़की आ गई जिनकी एज 13 से बड़ी है और 25 से लेस है। अब हम लेस वाला काम करके देखेंगे, लेस वाला हमारा काम कर रहा है कैसे, 25 से लेस है। देखिए एक ही लड़की है और वो है, हमने काउंट इफ एस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंड और फंक्शन की, जो एक्सेल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड फंक्शन हमारा किस लिए यूज़ होता है और फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंड फंक्शन इज़ यूज टू चेक इफ ऑल क्राइटेरिया आर मेट और नॉट। और फंक्शन क्या करेगा कि कोई भी एक क्राइटेरिया मैच कर रहा है उसके लिए वो ठीक है। अभी हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे हमारे पास एंड हो गया, हमने उसके अंदर लॉजिकल पास किया। ये लॉजिकल मल्टीपल भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। अगर ये काम क्या करेगा कि अगर सभी की सभी कंडीशन ट्रू होगी, सब हमारा लॉजिक ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। और कंडीशन क्या कहती है कि मेरा कोई भी एक लॉजिक ना, मेरा कोई भी एक लॉजिक सही हो जाए, बाकी गलत हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल तब होता है कि जब हम इसको इफ फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं। आइए हमारे पास ना दो नंबर दे रखे हैं। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, इफ़ ऑल नंबर आर ग्रेटर देन 13 तो रिटर्न गुड कर दीजिए, अदरवाइज बैड। हमारे पास नंबर वन है 14, नंबर टू है 25। हम इसको इफ के साथ भी यूज़ करके देखेंगे, हम इसको विदाउट इफ के साथ भी यूज़ करके देखेंगे। देखते हैं कि हमारा कंडीशन में देखिएगा कि इफ के साथ ही कितना अच्छा बेटर वर्क करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल वन। लॉजिक पास करना है, हम इफ को पास करेंगे। अब बोलिए देखिए इसमें लिखा हुआ लॉजिक टेस्ट, आप क्या करना चाहते हैं। हमारा लॉजिक टेस्ट क्या है, हमारा एंड केस है, हम एंड को पास करेंगे। देन एंड के अंदर हम कंडीशन को पास करेंगे, हमारी कंडीशन क्या है 40। अगर 40 इज़ ग्रेटर देन 30 तो हमें रिटर्न में ट्रू मिल जाए। हम इवन थो विदाउट दिस, बिकॉज हमें सेल को सिलेक्ट करना चाहिए, वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। देन हमारा सेकंड लॉजिक क्या कहते हैं, 25th इज़ ग्रेटर देन 30, ओके ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा देखिए लॉजिक कंप्लीट कर दिया, अब बोल रहा है कि वैल्यू ट्रू है और फॉल्स है। अब हमें अपना स्टेटमेंट पास करनी है, गुड आइदर बैड, देन ब्रैकेट क्लोज, हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब एक बार हम ना थोड़ा सा लॉजिक फंक्शन को समझते हैं, इसने किया क्या, एंड ने क्या किया। मेरा ए फिफ्थ है, 40 इज ग्रेटर देन 30, यस ये ट्रू है। देखिए क्या 25th इज ग्रेटर देन 30, नहीं फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन हो। लेकिन हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर दोनों कंडीशन
अगर सभी क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं, अगर सभी कंडीशंस ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। हमने ये देखा था ट्रिक इफ के साथ यूज करके, आइए अब हम देखते हैं विदाउट इफ के। फॉर एग्जांपल हमने एंड कंडीशन को पास किया, हमारा लॉजिक क्या कहते हैं, 40 इज ग्रेटर देन 30। देन हमारा सेकंड लॉजिक क्या कहते हैं, 25th इज ग्रेटर देन 30। देखिए बुलियंस में उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर दी आपको, जैसे हमने एंड के अंदर फंक्शन को पास किया था, एंड फंक्शन के अंदर हमने क्राइटेरिया को पास किया था, लॉजिक टेस्ट को पास किया था, सेम हमें और के केस में करना है। देखते हैं इफ और कंडीशन लगा दी, अब हमने इसमें लॉजिक टेस्ट पास करना है, 40 इज ग्रेटर देन 30, हमारी एक कंडीशन बिल्कुल ट्रू है इसमें। देन हमारा सेकंड, 25th इज ग्रेटर देन 30, ये हमारी फॉल्स है। और क्या बोलता है कि भाई मेरी एक स्टेटमेंट ठीक हो जाओ, मैं एक मेरे को एक स्टेटमेंट ट्रू मिल जाए, मैं बाकी में चेक नहीं करूँगा। एंड क्या करता है, मैं वो पहले वाली कंडीशन पे भी जाएगा, वो दूसरी वाली कंडीशन पे भी जाएगा, एंड थर्ड वाली पे भी जाएगा, फोर्थ वाली पे जाएगा, वो सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन अगर उसको फर्स्ट में, और केस में क्या होगा, उसको फर्स्ट में मिल गया वो बाकी को चेक नहीं करेगा। हमारा ब्रैकेट क्लोज, देन हम पास करेंगे गुड और बैड। ब्रैकेट क्लोज, हमारा गुड आ गया। देखिए कैसे 40 इज ग्रेटर देन 30, ये ट्रू है, 25th इज ग्रेटर देन 30, फॉल्स। बट उसने क्या किया, एक ही कंडीशन को चेक किया और हमें आउटपुट मिल गया वहाँ पे। सेम अगर हम इसको केस को विदाउट इफ के करके देखें तो हमें कैसे आउटपुट मिलेगा, देखिए। और लॉजिक पास करना हमें 40 इज ग्रेटर देन 30, देन 25th इज ग्रेटर देन 30, देखिए हमें ट्रू मिल गया। एक हमें और कंडीशन में एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू होनी चाहिए, एक लॉजिक हमारा ट्रू होना चाहिए, वो बाकी को नहीं देखेगा, वो बाकी को चेक ही नहीं करेगा। ये हमारा इसको सिंटेक्स लिखने का, इफ एंड, इफ कंडीशन के अंदर हम एंड पास कर रहे हैं, हमारा लॉजिक टेस्ट हो गया कि हमने कर, हम चेक क्या कर रहे हैं, लॉजिक के अंदर हमने अपने लॉजिक टेस्ट के अंदर हमने पास कर दिया, देन हमने वैल्यू पास कर दिया कि हमारा क्या होगा। ये देखिए लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। और अगर हम इफ को देखें, इफ कंडीशन लगा के, अगर आपने इफ वीडियो नहीं देखे तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप पहले इफ को देखिएगा, देन आप इन स्टेटमेंट में आइएगा। आपने अगर इफ को समझ लिया तो आप इस स्टेटमेंट को अच्छा अच्छे तरीके से, वीडियो में हमने एंड और के बारे में पढ़ा था, हम कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर लास्ट इज ब्लैंक पढ़ेंगे। इज ब्लैंक फंक्शन हमारे इसलिए यूज होता है कि हमारे पास बड़ा डाटा है, हमें कई बार पता नहीं होता कि हमारा सेल एम्प्टी है, खाली है या वो फील्ड है, तो हम उस केस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ब्लैंक का यूज़ करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ब्लैंक का यूज़ हम इफ के साथ भी करते हैं। अभी हमारा इस ब्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि अगर मेरी वैल्यू सेल ब्लैंक है तो मुझे रिटर्न ट्रू करें, अदरवाइज वो फॉल्स करें। मैंने यहाँ पे पास किया इस ब्लैंक और मेरा यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, और आपने हमारा फॉल्स आ गया। हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर ब्लैंक है तो ट्रू करिए, अदरवाइज फॉल्स कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे किया, वो हमें ट्रू दे रहा है, क्यों, हमने कंडीशन को पास किया। हम इस ब्लैंक को इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, हमें वैल्यू को पास करना हो क्योंकि हम चाहते क्या है, हम उस सेल को ब्लैंक चाहते हैं, फील्ड चाहते हैं, हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। बट इफ कंडीशन के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमने जैसे इफ कंडीशन किया, अगर आपने इफ फंक्शन को नहीं समझा अभी तक, प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए अगर हमने इफ किया है यहाँ पे, हमारा लॉजिक टेस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इस ब्लैंक के अंदर हमारा क्या है, वैल्यू को पास करते हैं। देखिए वैल्यू को पास करना है, मतलब कि सेल को पास करना है। मैं आपको बता रहा था वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, हमें ध्यान रखना है हमें इस कंडीशन के थ्रू, अगर हमारा ब्लैंक है तो हमें ट्रू देना है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है। तो अब हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले वैल्यू ट्रू देनी है या फॉल्स देनी है।
अगर आप इसको उल्टा कर देंगे आपका आउटपुट उल्टा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये दिखाना है वैल्यू मेरी अगर ट्रू है, मतलब कि अगर मुझे ये पता है कि मेरा सेल ब्लैंक है तो मुझे ट्रू देगा, तो उसके केस में हम लिखेंगे ब्लैंक। और अगर मेरी वैल्यू फॉल्स हो रही है तो उस केस में हम लिखेंगे फील्ड। फील्ड और ब्लैंक को एक्सचेंज करेंगे तो हमें आउटपुट में देखिएगा डिफरेंस कितना मिलेगा। देखिए हमें ब्लैंक मिल गए, ये देखिए हमारा ये सेल फील्ड है तो हमें ब्लैंक मिल गया, और ये सेल फील्ड नहीं है तो हमें ब्लैंक मिला। इफ ट्रू तो हमें मिलेगा ब्लैंक, वैल्यू इफ फॉल्स तो हमें मिलेगा फील्ड। हमारी स्टेटमेंट भी यही कहते हैं। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवर्स बैक करके बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या मिल रहा है। ब्लैंक एंड फील्ड, देखिएगा आप आउटपुट में आपको चेंज मिलेगा ब्लैंक। ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर लास्ट वीडियो था। अभी हम इफ का यूज़ करके हम बहुत चीज़ें करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।